हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा सेंट जॉन स्कूल सेवदबड़ी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। COVID-19 जैसे पेंडेमिक डिजीज़ के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। पिछले काफ़ी समय से स्कूल मैनेजमेंट इस बारे में सोच रहा था कि घर बैठे बच्चों के लिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे उनका टाइम वेस्ट नहीं हो और वैल्यूएबल टाइम को वो कंज्यूम कर सकें। इसी रेफरेंस में हम सेंट जॉन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बायोलॉजी के अलावा चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यदि ऑनलाइन क्लासेस सेंट जॉन स्कूल की तरफ से लेना चाहते हैं तो आपको सेंट जॉन स्कूल सेवदबड़ी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप स्कूल लॉग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप सारी वीडियोस सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है 1640 वापस रिपीट कर रहा हूँ 1640 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, यानी पीछे के चैप्टर में जो बायोटेक्नोलॉजी का था उसमें अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी का और प्रोसेस पढ़ा था। टेक्नोलॉजीज अपन ने पढ़ी थी कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में अपन काम में लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर अपन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ इसका यूटिलाइजेशन होता है। बेसिकली इस चैप्टर में अपन चार पॉइंट पढ़ने वाले हैं। कितने पॉइंट पढ़ने वाले हैं? चार पॉइंट। फर्स्ट अपना रहेगा एग्रीकल्चर में उसका क्या यूज है, सेकेंड मेडिसिन के अंदर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड इथिकल इश्यूज। ये चार टॉपिक अपन स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, जो पीछे वाले चैप्टर्स के अंदर आपने पढ़ा था, पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। यहाँ वर्ड आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का मीनिंग होता है सिंपली GMO, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, यानी ऐसे माइक्रोब्स जिसको अपन ने जेनेटिकली क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, उसको अल्टर कर दिया, उसकी केमिस्ट्री को अल्टर कर दिया, जैसे अपने प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, लाइक फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, अब बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं अपन, थेरेप्टिक पर्पज के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमेडिएशन मीन्स वेस्ट ट्रीटमेंट बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड एंड एनर्जी प्रोडक्शन। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, यानी बायोटेक्नोलॉजी के तीन रिसर्च एरियाज इंपॉर्टेंट हैं जो क्रिटिकल से। फर्स्ट वन क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यानी एक बेस्ट कैटलिस्ट इंडस्ट्री के अंदर अपन को चाहिए और वो किसके फॉर्म में चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में अंदर चाहिए, यूजुअली ए माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम, या तो वो आपका माइक्रोब हो सकता है या फिर आपका प्योर एंजाइम हो सकता है, राइट? ठीक है,
सेकेंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट. आप जो कैटलिस्ट, जो माइक्रोब्स या फिर प्योर एंजाइम जो यूज कर रहे हैं, उसकी क्या करनी है, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करवानी है. किसके थ्रू आप प्रोवाइड करवाएंगे, इंजीनियरिंग के थ्रू. इंजीनियरिंग का मतलब उसके अंदर अपन मॉडिफिकेशंस कर करके, ताकि वो कैटलिस्ट एक्ट कर सके. थर्ड जो रिसर्च का जो एरिया है अपने लिए, वो है डीएसपी. डीएसपी का मीनिंग हो गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट की अपन क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे उसको, ताकि इजीली एक सिंपल फॉर्म के अंदर अपन उसको, प्योर फॉर्म के अंदर अपन उसको ऑब्टेन कर सकें. तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो दैट आर द थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. यानी बायोटेक्नोलॉजी के ये तीन रिसर्च एरियाज हैं. फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट. सेकेंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस. एंड थर्ड, डीएसपी. लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग हैव यूज बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी कैसे बढ़ाई है, इम्प्रूव कैसे किया है, इसको अपन इसके अंदर देखेंगे. स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड द हेल्थ. यानी फूड प्रोडक्शन के अंदर और हेल्थ के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का अपन यूटिलाइजेशन करके क्या बेनिफिट अपन को मिला है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में. चलिए, लेट अस टेक ए लुक एट द थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर की बात अपन कर रहे हैं, इसका मतलब फूड प्रोडक्शन की बात करें. अपन फूड प्रोडक्शन तीन तरीके से बढ़ा सकते हैं. कितने तरीके? फर्स्ट, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मीनिंग है एग्रीकल्चर अपन एग्रोकेमिकल्स को यूज़ करके, लाइक मेन्योर्स, फर्टिलाइजर्स को अपन यूज़ करके फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. सेकेंड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अपन फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. और थर्ड मेथड अपने पास जो है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. यानी क्रॉप को ही अपन क्या कर लें, जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर लें, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसको मॉडिफाई कर दें. ये तीन मेथड अपने पास हैं. द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई. आपने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में सुना होगा. ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद फूड का जो प्रोडक्शन है वो ट्रिपल हो गया. क्या हो गया? ट्रिपल हो गया. ट्रिपल का मीनिंग क्या हो गया? तीन गुना बढ़ गया. ठीक है, बट इट वॉज नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन. लेकिन ह्यूमन की पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है, उसके रेफरेंस में, उसके कंपेरिजन में ग्रीन रिवोल्यूशन कुछ भी नहीं था. इंक्रीज यील्ड हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज. यील्ड जो बढ़ी है, जो प्रोडक्शन बढ़ा है, वो किसकी वजह से बढ़ा है? इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी. अपने क्रॉप की वेराइटी बढ़े, इम्प्रूव कर ली, जिसके वजह से कुछ प्रोडक्शन बढ़ गया. बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. लेकिन कुछ पार्ट इसका है, कुछ पार्ट किसका है? बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स. अपन ने एग्रोकेमिकल्स को यूज़ किया. एग्रोकेमिकल्स अभी अपन ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इसको अपन ने यूज़ किया. बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किए, जिसकी वजह से अपना फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया. हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव. एग्रोकेमिकल्स जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैराइटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग. कन्वेंशनल ब्रीडिंग अपन नहीं कर पा रहे. इज देर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर मे ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड्स. इज देर ए वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स. जो एग्रोकेमिकल अपने यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर और केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसको, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है, उसको अपन रिड्यूस कर सकें क्या? कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है अपने पास? यस, ऑब्वियसली द आंसर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. ये पॉसिबल सॉल्यूशन है. पीछे अपने जो तीन टेक्नोलॉजीज अपने पढ़ी थी, ऊपर अपन बात कर रहे थे एग्रोकेमिकल्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर, इन सब में सबसे जो बेस्ट मेथड अपने पास है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. यानी क्रॉप को अपन क्या कर लें, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लें, जिसकी वजह से उसका फूड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. आगे चलते हैं. प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशंस. ध्यान से समझना डेफिनेशन. प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स
वो जीन्स हैव बिन अल्टर्ड, जिसके जीन को अपने अल्टर्ड कर दिया है बाई मैनिपुलेशंस, बाई टेक्नोलॉजीज दैट आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। शुरू में जब चैप्टर अपन स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएम प्लांट्स हैव बिन यूजफुल इन मेनी वेज, जो जीएम प्लांट्स हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या हैं देखते हैं वन बाई वन। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैज मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं अपने पास वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होती हैं। टॉलरेंट का मीनिंग क्या होता है? जो सहन कर सकती हैं, कैपेसिटी होती है। किसके अगेंस्ट में टॉलरेंस आती है? एबायोटिक स्ट्रेस। स्ट्रेस आप समझते हैं, एबायोटिक और बायोटिक, आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद द बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग आएगा, प्लांट्स एनिमल्स आ सकते हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कोल्ड के, ड्रॉट, सॉल्ट और हीट, इसके अगेंस्ट में अपन टॉलरेंस पावर जनरेट कर सकते हैं क्रॉप के अंदर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओनली थ्रू जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएम प्लांट्स अपन कैसे, यदि अपन प्लांट्स में करेंगे तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कह देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, और क्या बेनिफिट है? रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट अपन को नहीं रहेगी, अपनी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपन क्या कर लेंगे, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना लेंगे। ऐसी क्रॉप बना लेंगे जो उस पर्टिकुलर फेस्ट के लिए क्या होगी, रेजिस्टेंस पावर उसके अंदर आएगी, राइट। थर्ड पॉइंट है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लूजेस। हार्वेस्ट करने के बाद में जो लूजेस होते हैं, जो नुकसान होते हैं, उसको भी अपन बचा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, मिनरल्स को यूज़ करने की जो एफिशिएंसी होती है प्लांट्स की, उसको भी अपन इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को यूटिलाइज कर सकें। लेकिन दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ज़्यादा मिनरल्स को वो यूज़ करेगा तो जल्दी ही सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना वो अपन बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, गोल्डन राइस, विटामिन ए एनरिच राइस। नॉर्मली आप जो राइस खाते हैं उससे आपको स्टार्च मिलता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि स्टार्च के साथ साथ आपको विटामिन्स भी मिलता रहे, इसके लिए अपन ने क्या बना, मॉडिफाइड करके उस क्रॉप्स को गोल्डन राइस बना दिया। और वो गोल्डन राइस क्या करता है, आपको स्टार्च तो देता ही है, स्टार्च के साथ साथ में आपको विटामिन ए भी देता है। इसका एक दूसरे एग्जांपल से अपन समझें, जैसे एक गरीब आदमी है, वो जो फ्रूट्स हैं वो परचेज नहीं कर सकता विटामिन के खाने के, विटामिन के लिए, तो यदि वो गोल्डन राइस खाएगा तो वो क्या करेगा, उसको स्टार्च भी मिलेगा यानी उसका फैट भी भर जाएगा और उसको विटामिन भी मिल जाएगा, विटामिन ए मिल जाएगा। विटामिन ए है उसका बेनिफिट्स आपने पढ़ रखा होगा, है ना, विटामिन ए की डिफिशियंसी डिजीज़ क्या क्या होती हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सो गोल्डन राइस विटामिन ए एनरिच राइस होती हैं, इसमें एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है फूड के लिए। तो ये इतने सारे पांच बेनिफिट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से अपन को मिलते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है उसमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन एडिशन टू दीज यूजेस जीएम हैज बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यानी ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर स्टार्स है, फ्यूल है, फार्मास्यूटिकल्स है, ये भी प्लांट्स के थ्रू अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी, वन मिनट, यस कंटिन्यू। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल्स आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के अंदर अपन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, यानी ऐसा प्लांट बना सकते हैं जो पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड। अब अपने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट ही बना लिया तो पेस्टिसाइड यानी जो केमिकल चीज़ का अपन स्प्रे कर रहे हैं जो उस प्लांट के ऊपर डाल रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, वो अपन को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन, बीटी का मतलब है एक बैक्टीरिया से लिया गया है, बेसिलस थुरिंजेनेसिस, शॉर्ट में इसको अपन बीटी कहते हैं। ये क्या करता है, एक बैक्टीरिया है, ये केमिकल्स का सिक्रेशंस करता है, यानी एक केमिकल्स जो होता है वो टॉक्सिक नेचर का होता है, इसलिए उस केमिकल को, उस प्रोटीन को बीटी टॉक्सिन के नाम से अपन जानते हैं। बीटी टॉक्सिन
टॉक्सिक नेचर का होता है, दैट हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से निकाल के अपने क्लोन बना लिया एंड बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट, और उस बैक्टीरिया का जो बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो अपने उसको आइसोलेट किया वहाँ से और उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर डाल दिया, और प्लांट के अंदर जाकर के वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। एक्सप्रेस का मीनिंग है वहाँ पे जाकर के वो प्रोटीन बनाएगा, वहाँ पे जाकर के वो टॉक्सिन बनाएगा, और प्लांट को प्लांट क्या होगा उस पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, इन इफेक्ट क्रिएट ए बायोपेस्टिसाइड, और इसी को अपन बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। पेस्टिसाइड सिंपली नहीं कहते हैं, अपन इसको बायोपेस्टिसाइड्स कहेंगे, यानी बायोलॉजिकली मेथड से अपने उस पेस्ट को किल कर दिया है। एग्जाम्पल इसका है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटेटो, सोयाबीन। इसको मैं एक बार वापस समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बेसिलस थुरिंजिनेसिस एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक प्रोटीन बनाता है, उसको अपन क्राइ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, इस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है उसको अपन आइसोलेट करें इस बैक्टीरिया से और प्लांट सेल के अंदर डाल करके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी अपन यूज़ करेंगे, कैसे जो मेथड है वो अपन ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। आरडीएनए टेक्नोलॉजी से अपन उस जीन को प्लांट सेल के अंदर जाएंगे, उसमें इंसर्ट कर देंगे और वहाँ पर वो एक्सप्रेस होगा, यानी वहाँ पर वो प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन वहाँ पर जो बनेगा वो अभी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहेगा, यानी प्रोटॉक्सिन रहेगा, वो प्लांट सेल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट यानी वो जो पेस्ट है वो उस प्लांट के लिए उसको खाएगा, उसकी गट के अंदर एल्कलाइन पीएच होने की वजह से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी गट के अंदर होल कर देगा, पोर कर देगा, छेद कर देगा, और धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम वो मर जाएगा। इसलिए इसको बायोपेस्टिसाइड्स अपन कहते हैं। तो बीटी कॉटन के बारे में डिटेल से अपन पढ़ते हैं। सम स्ट्रेन्स ऑफ बेसिलस थुरिंजिनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन्स, सारे स्ट्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ध्यान से देखना, सम स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं दैट किल सर्टेन इंसेक्ट, वो भी सर्टेन इंसेक्ट को किल करते हैं, लाइक लेपिडोप्टेरिन, टोबेको, बुडवर्म, आर्मीवर्म, कोलेप्टेरिन्स जैसे बीटल्स हैं, एंड डायप्टेरिन्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज होते हैं। यानी बेसिलस थुरिंजिनेसिस के जितने भी जो स्ट्रेन्स होते हैं वो पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही किल कर सकते हैं। बेसिलस थुरिंजिनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ की एक फेज होती है, पर्टिकुलर फेज होती है, उसमें वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। दिस क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस, बेसिलस को किल क्यों नहीं करता, अभी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, उस इनएक्टिव टॉक्सिन को यदि वो इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल को सोल्यूबलाइज कर देगी। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही वो इंसेक्ट उसको खाएगा वो उसकी गट के अंदर जाएगा, यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल की जो पीएच होती है वो एल्कलाइन पीएच होती है, जिसकी वजह से वो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उस एक्टिव फॉर्म की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसको किल कर देगा। राइट, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिडगट एपिथीलियल सेल, क्रिएट ए पोर दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट, और वो इंसेक्ट आपका मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, आगे और बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, नीट का क्वेश्चन बन सकता है, और स्पेशली इस चैप्टर में से तो डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चंस आने ही हैं, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा इसको। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थुरिंजिनेसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए सेवरल क्रॉप प्लांट्स लाइक दैट कॉटन, द च्वाइस ऑफ द जीन्स डिपेंड अपन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। चॉइस ऑफ जीन, कौन सा जीन अपन को लेना है वो डिपेंड करता है अपन किस क्रॉप के लिए काम में ले रहे हैं, कि टारगेटेड पेस्ट कौन सा अपना। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं वो इंसेक्ट के जो ग्रुप ऑलरेडी अपन जो पीछे डिस्कस किए थे, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डायप्टेरा, उनके लिए स्पेसिफिक शो होते हैं। द टॉक्सिन इज कोडेड बाई ए जीन, ये जो टॉक्सिन जो प्रोटीन बनाते हैं ये एक कोड होते हैं, यानी कौन बनाते हैं इनको, जीन बनाता है ऑलरेडी। ठीक, अब जीन जो होते हैं वो है क्राई फर्स्ट एसी, नेम्ड क्राई जीन, उसको क्राई जीन के नाम से अपन जानते हैं, और सिंपली अपन इसको सी आर वाई लिखते हैं, उसका पूरा नाम होगा सी आर वाई
CRY1AC यानी क्राई फर्स्ट ए सी. देर आर ए नंबर ऑफ देम. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स एनकोडेड बाई जीन क्राई फर्स्ट ए सी क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल द कॉटन बुलवर्म दैट ऑफ क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल कॉर्न बोरर. ध्यान से सुनना. अलग अलग जीन्स होते हैं, अलग अलग प्रोटीन को कोड करते हैं, अलग अलग प्रोटीन को बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. इसमें क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, ध्यान से देखना, ये जो लिखा ना नीचे वाला क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी, ये कंट्रोल करता है कॉटन बुलवर्म को, जबकि क्राई फर्स्ट ए बी जो जीन होता है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है. किसको कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है. तो यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकता है, जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहीं से अच्छे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं. सो क्राई फर्स्ट ए सी क्राई सेकेंड ए बी ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बुलवर्म को, जो कॉटन को डैमेज करते हैं. और क्राई फर्स्ट ए बी जो जीन होता है वो कॉर्न बोरर जो डिजीज करने वाले जो पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करता है. राइट, आगे बढ़ते हैं. ये आप देख सकते हैं इसके अंदर दो डायग्राम्स आपको कॉटन के दिख रहे हैं, कॉटन बॉल के. ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका है डेस्ट्रॉयड बाय बुलवर्म्स, और एक साइड में जो आपको दिख रहा है ये फुल्ली मैच्योर है, ये डिजीज वाला है और ये फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल का डायग्राम आपको देखने में सामने आ रहा है. राइट, आपको वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं. अपन ये फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जितने भी पार्ट बनते छोटे छोटे वीडियोस अपन बनाएंगे और अलग अलग पार्ट के अंदर इसको पब्लिश करेंगे. आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें. आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है, आपकी स्टडी के लिए ये अच्छा है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसकी स्टडी कर सके. आगे जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.